हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली क्लास चल रही थी हमारी, तो उसी क्लास के लिए रेडी हो जाइए आपका रिवीजन करने के लिए। आपका टॉपिक, आई होप कि आपने सेल्फ स्टडी करके अपने टॉपिक को कवर कर लिया होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्यूशंस वाली क्लास लेकर आते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और एग्ज़ाम के लिए इतने नंबर तो आपको लाने ही कि आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि आप सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आए, ताकि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलेज मिले, जिससे आपको ट्रेनिंग करने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या कक्षा में ज़ोर से बोलेंगे? तो कक्षा में बच्चों का ध्यान विकसित करने के लिए हम उनमें सबसे पहले जिज्ञासा विकसित करनी होगी। बिना जिज्ञासा के कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने न दें, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो सृजनात्मक चिंतन करने के लिए उनको क्या करना है, उनको कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करनी है, जिससे कि उनकी सृजनात्मकता का विकास हो सके। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप विद्यालय में छात्रों के सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, एक टीचर होने के नाते अपने विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सहयोग की भावना विकसित करनी है, उनके लिए क्या करेंगे आप? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पार्टी सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। तो इसका जो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो होगा, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और इसके बाद वाला जो ऑप्शन, अगर ये ना हो और उसके बाद वाला हम अगर ऑप्शन देखें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि टीचर्स को देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, टीचर उनके लिए एक मॉडल होते हैं, तो उनको देख के वो अपने आप को उनके अनुसार डालते हैं, जैसे कि हमारे टीचर ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा करेंगे। तो टीचर को एक अच्छा आइडल बनके उनको अच्छा आदर्श व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के सामने, जिससे बच्चे अच्छी बातें सीख सकें। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से विचार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को अर्थदंड दे, उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अभिभावक को सूचित करें, कारण का पता करें, या अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। शर्मिंदा करना कतई सही नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव आंसर होता ही है। तो हमें नेगेटिव ऑप्शंस पर नहीं जाते, हमें सबसे पहले कारण का पता करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले पता करता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, इससे हमारी जाँचें करवाई जाती हैं, टेस्ट करवाया जाता है, फिर उसके बाद हमारा उपचार किया जाता है। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, पहले कारण का पता करना है, उस अकॉर्डिंग हमें उसका निदान करना है, फिर निदान करने के बाद में उपचार करना है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक छात्र के लिए क्या होते हैं? पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितेशी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, ये सभी? तो मित्र और हितेशी की स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा परिवार विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सुझाव आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है, शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है
जो दूसरे फील्ड के जितने भी काम हैं उससे वो अलग करता है। कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, ये सभी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को गहराई और जानने के लिए, विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन के लिए। प्रतिपुष्टि का प्रयोग क्योंकि विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकास के लिए क्या कर सकते हैं हम। कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए के लिए कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्र का सहयोग हो, मनोरंजन की कहानियाँ सुनाई जाए। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अध्यापक और छात्रों दोनों का सहयोग होगा तभी क्लास का वातावरण अच्छा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं आना पड़ता है, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो शैक्षिक भ्रमण, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शैक्षिक भ्रमण से स्टूडेंट को अगर कहीं घुमाने लेके जाएंगे तो वो अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से किसी को समझेंगे, देखेंगे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो वो जो चीज़ सीखेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं, और वो जो ज्ञान, उनका नॉलेज बढ़ेगा वो स्थायी होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, इनके जांच की विधियाँ अलग अलग होती है, इनके उत्तर प्राय बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते क्योंकि निबंधात्मक में जो हर छात्र अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करता है, किसी के विचार किसी से भिन्न होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसको स्कोर मिलता है, उस अकॉर्डिंग उनको नंबर मिलते हैं, तो बिल्कुल उनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, कोशिश करेंगे कि कल से हम आपके लिए 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। एग्ज़ाम से पहले पहले हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे जिससे कि आपका अच्छे से रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी सेल्फ स्टडी करती रहिए, रिविज़न के लिए हमारी क्लास देखते रहिए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।